तीन लॉ दिए न्यूटन ने, तीन आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ यही रीजन है, यही रीजन है जिसकी वजह से मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, मेरे को नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, सब ठीक है, कहते रहते एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, कैसे ये लोगों ने एक्सेप्शन। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? अब डरिए मत, क्योंकि आपका ये फेवरेट चैनल लेकर आया है रोहित सर, जो कि इन एक्सेप्शन के रीजन भी बताएंगे और बताएंगे एक्सेप्शन होता ही क्यों है और इसको याद रखने का तरीका, और उसकी वजह से आप इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आराम से और इजीली तरीके से कर पाए।